हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नो सख्यास कॉर्नर। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही चटपटा सा नाश्ता, एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स जिसको आप शाम को बनाइए चाहे सुबह बनाइए। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। ये हमारे रोज़ वाले चावल और दाल से ही बनती है, तो अगर रोज़ वाले चावल दाल हमें नए रूप में मिल जाए तो बात ही क्या कहने के। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधी कटोरी चने की दाल और लगभग एक कटोरी चावल मैंने लिया है। तो चने की दाल हमेशा आधी लें और चने की दाल का दोगुना पार्ट हमें चावल लेना है। तो इन दोनों को अच्छे से साफ करके मैंने पानी से धुल लिया है। ये देखिए, पानी से धुलने के बाद इसमें लगभग एक ग्लास पानी डाल के इसको ढक के दो घंटे के लिए छोड़ दिया है ताकि चने की दाल अच्छे से फूल जाए, क्योंकि हमें इसे पीसना है। तो मैंने इसे दो घंटे के लिए ढक के छोड़ दिया है। दो घंटे के बाद देखिए इस तरह से ये अच्छे से फूल चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इसमें से पानी निकाल के अलग कर देना है। पानी निकालने के बाद मैंने ले लिया है एक मिक्सर का जार और मिक्सर जार में मैंने इसे चावल और चने की दाल को डाल दिया है, क्योंकि हमें इसका एक बहुत ही अच्छा पेस्ट तैयार करना है। तो याद रखिए, इसको पीसते वक्त ज़्यादा पानी ना डालें, सिर्फ एक चम्मच या डेढ़ चम्मच आप इसमें पानी का यूज करें, क्योंकि हमें इस घोल को पतला नहीं रखना है। इसके साथ ही मैंने ले लिया है लगभग 7 से 8 लहसुन की कलियां। अपने स्वाद के अनुसार मैंने इसमें 3 हरी मिर्च मिक्स कर दी हैं। आपको अगर मिर्च ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच कच्चा जीरा डाल दिया है और अपने स्वाद के अनुसार ही इसमें नमक डाल दिया है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सामानों की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक मैंने सिर्फ इसमें मिर्च, लहसुन, जीरा और नमक डाला है। अब हमें इन सबको अच्छे से पीस लेना है। याद रखिएगा, पीसते वक्त आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना घोल बहुत ही पतला हो जाएगा। ये देखिए, तो ये पीस के तैयार हो चुका है। ये रेसिपी इसलिए भी बहुत ही आसान लगती है क्योंकि हमें इसे डोसा या इडली की तरह बहुत देर के लिए फर्मेंट होने के लिए नहीं छोड़ना है। इसे झटपट पीसिए और झटपट बना के सर्व कर लीजिए। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही चटपटी लगती है। तो अब मैंने इस घोल को ट्रांसफ़र कर लिया है एक बाउल में। अब हमें क्या करना है कि इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने से ये बहुत ही अच्छी हल्की बनती है। तो ज़्यादा नहीं, लगभग 1 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। इसके बाद मैंने इसमें लगभग आधा इसमें इनो यूज किया है, मतलब जो एक पैकेट इनो आता उसका मैंने आधा पोर्शन ही यूज किया है, क्योंकि मेरा ये घोल लगभग 2 कटोरी का है तो मैंने इसमें आधा इनो ही यूज किया है। ये देखिए, इनो डालने के बाद ये बहुत ही अच्छा फ्लफी सा हो गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि एक कढ़ाई गरम करनी है। आप चाहे तो इसे तवे पे भी बना सकते हैं या फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को गरम कर लिया है और इसके बाद लगभग मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तेल गरम हो जाने के बाद मैंने इसमें राई डाल दी है। ये देखिए, राई अच्छे से चटक गई है। अब मैंने लगभग इसमें 2 कलछी भर के मिश्रण को डाल दिया है। अब हमें इसे ढक के लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये एक तरफ से अच्छा गोल्डन कलर का हो जाए। तो मैंने इसे ढक दिया है और देखिए 1 से 1.5 मिनट बीत चुके हैं।
तो ये एक तरफ से अच्छा सा सीख चुका है। अब ऊपर की तरफ मैंने वापस कुकिंग ऑयल डाल दिया है ताकि पलटने के बाद ये कढ़ाई में चिपके नहीं, और दूसरी तरफ पलट दिया है ताकि दूसरी तरफ भी ये अच्छे से गोल्डन कलर का हो जाए। वापस मैंने इसको लगभग एक मिनट के लिए ही ढक दिया है। आप इसको धीमी आंच पे ही हमेशा सेकें ताकि ये अंदर तक पक जाए। तो ये देखिए दोनों तरफ से ये अच्छे से सिक गया है। अब मैंने इसे निकाल लिया है। अब सेम प्रोसेस के साथ मैंने दूसरा भी बना लिया है कुकिंग ऑयल डाल के। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी राई डाल दी है। राई चटक जाने के बाद मैंने इसमें घोल डाल दिया है लगभग 2 कलछी भर के, और एक तरफ सिक जाने के बाद ऊपर की तरफ मैंने फिर से कुकिंग ऑयल लगभग 1 चम्मच डाला और इसको पलट दिया ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छा सा गोल्डन कलर का हो जाए। तो इस तरह से मैंने दो अपने ये आड़े बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए मेरे 2 स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। मैंने इसे टोमेटो सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व किया। आप चाहें तो इसे इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। तो है ना, ये बहुत ही झटपट बनने वाला स्नैक्स, ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम सामानों के साथ बनने वाला स्नैक्स है। आपको अगर बनाना हो तो आप 1 घंटे के अंदर इसकी तैयारी करके इसे बना भी सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। ये आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।